देखिए सर, नाम तो पहले मैं पहले तो एमपीसी करता था। मैं जब से ग्रेजुएशन में हूँ तब से एमपीसी की प्रिपरेशन करता हूँ। एमपीसी से सिर्फ अधिकारी हो सकते हैं आप, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, उसका बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने किया, बहुत से बिजनेस खाली क्या बोलते हो, हिसाब नहीं इसलिए बंद पड़े। कुछ लड़के ऐसे उनको स्लिप भरना ही मालूम नहीं कैसे भरते बैंक में, और बोलते हो मुझे बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना तो बैंक पूरी, और बैंक लोन नहीं देती मेरे को बोलते कैसे देगी। अगर फिर मैं क्या करता था मार्केटिंग के लिए सर, जानबूझकर घूमने जाता था बाहर यूनिफॉर्म पहन के। यूनिफॉर्म पहन के क्योंकि लोगो है पीछे भी लोगो है, तो लोग अरे एमपीसी सोडा वाला वो नया शॉप है एमपीसी सोडा वाला ऐसे बोलने लगे। मैं सुनता था उन सबका, फिर ऐसे बड़े बड़े जिधर भीड़ रहती बाजार में उधर जाने लगा। मतलब काम कुछ नहीं, यूनिफॉर्म पहन के बस वहाँ पे जाओ घूमो। हाँ, हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है विकास सांगले सर, जिनका ब्रांड है एमपीएससी सोडा। अंबेजोगाई नाम का गांव है, वहां पे उन्होंने अपना ये ब्रांड चालू किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, कैसे एमपीएससी जो एक एग्ज़ाम होती है उस चीज़ का उनके लाइफ में क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आज हम उनसे जानेंगे और पूरी बिजनेस जर्नी के बारे में उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू सर, फर्स्ट तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया आपके चैनल पे। तो मेरा नाम विकास सांगड़े है और मैं लातूर से हूँ सर। ओके। और जो मेरा बिजनेस है वो अंबेजोगाई में है। हाँ ओके, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ लातूर से, लेकिन मैंने स्टार्टअप किया है अंबेजोगाई में। ओके, क्योंकि अंबेजोगाई एक ऐसी सिटी है जहाँ डेवलपिंग एरिया बढ़ रहा है अंबेजोगाई में। हाँ। तो मैंने सोचा कि जहाँ सर लातूर के पास ही आपकी, यस यस, नियर बाय 45 किलोमीटर है बस। ओके, हाँ मतलब लातूर के नज़दीकी है अंबेजोगाई। हाँ यस, तो उधर मेरे को लगा कि इधर डेवलपमेंट हो सकता है, अपना बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। हाँ। अच्छी सिटी है, इसलिए मैंने वो सिटी चूज की सर। ओके, तो आपका अभी जो बिजनेस है वो अंबेजोगाई में है, क्योंकि इनका जो होम टाउन है वो है लातूर, जहाँ पे एजुकेशनल भी उसको हब कहा जाता है। बहुत सारे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग वहाँ पे। हाँ सर, नीट जेईई की प्रिपरेशन उधर बहुत चलती है सर। ओके, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे लातूर से आते हैं। सर ये जो है कंसेप्ट एमपीएससी सोडा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके ये नाम के पीछे की स्टोरी भी आप बताइए, मतलब इसमें आपका कुछ पास्ट भी है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बताओगे। देखिए सर, नाम तो पहले मैं पहले तो एमपीसी करता था। मैं जब से ग्रेजुएशन में हूँ तब से एमपीसी की प्रिपरेशन करता हूँ। okay. तभी मैंने सोचा कि एमपीसी का नाम कुछ तो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। हाँ। जैसे कि मैंने देखा बहुत लोग एक तो इस एग्ज़ाम को एक एज आधिकारिक तौर पे लेते हैं। हाँ। नहीं तो सुसाइड करते सीधा। हाँ, अगर मतलब यस, लेकिन कैसे गवर्नमेंट को थोप देते कि ये गवर्नमेंट जगह नहीं निकाल रहा है, ऐसा कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और सीधा सुसाइड कर देते हैं। बराबर है। तो मेरा यही कहना है उनसे कि मैंने नाम पहले तो नाम क्यों रखा, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे, क्योंकि जो एमपीसी की प्रिपरेशन कर रहे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि एमपीसी का अलग भी यूज हो सकता है सर। हाँ। जैसे कि देखो अभी मैंने बिजनेस में उसका नाम यूज किया। बराबर है। और एमपीसी का मतलब हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस है। हाँ। जैसे कि हम वो रीडिंग एमपीसी के नाम से रीडिंग डाल सकते हैं, लाइब्रेरी का हम कर सकते हैं। यस सर, और ऐसा नहीं कि एमपीसी से सिर्फ अधिकारी हो सकते हैं आप। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, उसका बहुत जगह यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने किया और रिजल्ट भी आपके सबके सामने है। बराबर है। यस, तो सर एक इंस्पिरेशन है कि जो लोग एमपीएससी करते हैं और एक तो सर ने जैसे बताया कि एक तो वो एक ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर मतलब कुछ बुरा ख्याल सुसाइड उनके मन में आता है। हाँ। बट सर ने उसको एक पॉजिटिव वे में लेके उसको आप एक एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे उसमें डाल सकते हो वो बताया सर। एमपीएससी सोडा ये जो ब्रांड है, इसमें सोडा आपको कैसे लगा कि आप सोडे का ही बिजनेस करना चाहिए? देखो, और एमपीएससी सोडा में और कौन कौन से ओके देखिए सर, मैंने तो पहले रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि मैं कौन सा बिजनेस डाल सकता हूँ। हाँ। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस है जो कि अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन सोडा ऐसा है, चाय और सोडा, लेकिन चाय का भी अभी पुराना हो गया पूरा। तो सोडा ऐसा चीज़ है कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। हाँ। क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे, जैसे कि पेट साफ हो सकता है। हाँ। समर में चिलनेस आती है उससे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस को आगे लेके चले जाए। Okay. क्योंकि अब तक सोडा को किसी ने इतना स्टैंडर्ड नहीं दिया जितना मैंने दिया है। हाँ। और जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश आपका। हाँ, तो मेरा यही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस के बाद रिजल्ट आपका ये निकला। हाँ, रिजल्ट भी निकला और मेरा यही कोशिश है कि मैं इसको और आगे लेके जाऊँ। ओके, और ये आइडिया मतलब एनालिसिस से ही मेरे को आया कि ये चल सकता है आगे, और ये रिस्क मैंने लिया और अब
अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सर कितने महीने हो गए चालू कर? देखिए सर अभी 8 महीने हो गए। हाँ। अभी एक साल में हम 2 से 3 महीने में चले जाएंगे सर, और वो भी एकदम सक्सेसफुली अच्छे से चल रहा है। लाइक प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस? मतलब प्रॉफिटेबल है, हम अच्छे अच्छे कॉम्बो पैक निकल रहे हैं। हाँ। सोडा के साथ। सर वो स्ट्रेटजी जानने से पहले आपकी जो पूरी जर्नी रही। हाँ। कि आपको ये मतलब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कुछ ऑब्स्टेकल हमें आते हैं बिजनेस में। वो तो आएंगे। हाँ, और फिर कुछ पॉइंट आते हैं कि आपको सक्सेस मिलता है उसमें, कि लगता है कि अरे हाँ अभी मेरा बिजनेस पूरा अच्छे से चल रहा है। मतलब सेट तो बिजनेस कभी नहीं होता, हम ग्रो ही करते रहते हैं। अगर सेट हो गया तो बिजनेस ही नहीं होगा। तो फिर ये जर्नी आप कैसे बताओगे कि शुरुआत वो हम एक शॉप ढूंढते, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आप स्ट्रेटजी क्या यूज करते हो। बराबर, क्योंकि बिजनेस में स्ट्रैटेजी होना ही इम्पोर्टेंट। शुरुआत में तो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स तो मेरे को बहुत आई सर। हाँ। देखो आपको जितना इजी लगता है ना ये कि मैं चलो आज डिसीजन ले लिया मैं कल कर दूंगा, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। नहीं रहता है, उसके पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ। मतलब अभी पूरा जानकारी लेके उस बिजनेस में पढ़ना पड़ता है सर। बराबर है। अगर आपने एक बार बिजनेस चालू कर दिया अच्छे से चलता है, लेकिन वो जो क्वालिटी है जो आप प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं वो टिका के रखना पड़ता है सर। बराबर है। और उस सफर में ऐसा होता है कि बहुत लोड आ जाता है, पूरा मतलब प्रेशर पूरा आपके ऊपर। यस यस, मेंटली रहता है, फिजिकली रहता है। हाँ। एम्प्लॉयज को संभालना रहता है। बराबर। मतलब प्रेशर लेवल उस टाइम पे फिजिकली मेंटली सोशली सब पे प्रेशर रहता है अपना। बराबर। लेकिन उस टाइम पे आप कैसे करते हो, कैसे वो पेशेंस आपके अंदर रहते हैं, और कैसे आप उस प्रोडक्ट को और अपने ब्रांड को आगे लेके जाते हो, ये आपको वैल्यू देता है। बराबर। और कैसा है, मेरा कहना यही है, आपको कितना भी प्रेशर आए। हाँ। प्रेशर तो आने वाला है, ये तो सच बात है। आप कितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, प्रेशर तो सबको आने वाला है। लेकिन जब भी कभी डिप्रेशन का टाइम आए कि बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, तो कभी भी इतना मतलब वरी नहीं होने का सर। मतलब जैसा चल रहा है उसको बस टिका के चलने का। हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स आए उसको सोल्यूशन ढूंढने का। हाँ। क्योंकि हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन होता है। हाँ। तो सोल्यूशन ढूंढने का, मार्केट का कैसा चल रहा है वो देखने का, लेकिन मतलब सर्वाइव करने का। करें। वो फेज जब निकल जाता है ना सर, उसके बाद आप अनस्टॉपेबल होते हैं। मतलब जो इतना एनर्जी आता है ना। हाँ। वो फेज निकलने के बाद बस, और ये फेज आते रहेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, ये फेजेस आते रहेंगे। एक फेज ऐसा रहेगा कि आप बहुत टेंशन में हो। हाँ। बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कभी तो चल रहा होता है फिर भी टेंशन आता है कि यार कितने दिन ये कितने दिन वो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका बिजनेस चल पड़े तो आप एक लड़के को बिठा के चले जाओगे घूमने। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये मेरा एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना है, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा अभी एक साल के अंदर ही मेरा बिजनेस सेट हो गया तो ऐसा नहीं रहता। आप ऐसा मत कीजिए कि आप किसी को बिठा रहे और बाहर चले जा रहे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। खुद आप उधर रहिए, खुद कस्टमर की आप रिव्यू पूछिए, खुद आप कस्टमर से जाके बात कीजिए, मतलब कैसा चल रहा है पूरा बिजनेस आप दिन भर खुद एनालिसिस कीजिए सर। करें। और उसका एक रिपोर्ट आप खुद रात को अपने कॉपी बुक में लिखिए। कॉपी में आज कितना खर्चा हुआ, इनकम। हाँ, वो तो देखिए सर, बहुत से बिजनेस खाली क्या बोलते हो हिशोब नहीं इसलिए बंद पड़े। हाँ। मतलब वो जो बोलते ना मराठी में हिशोब। हाँ। हाँ, वो ना रहने की वजह से बंद पड़ गए। बराबर है। हाँ, अगर आपके पास दिन भर क्या खर्चा होता है, किसको कितना दिया, इवन वो 1 रुपीज क्यों ना हो, नहीं तो लाख रुपए हो, लेकिन वो सब अगर आपके पास रहेगा टैली उसका। हाँ। आपके मोबाइल में रहने दो, नहीं तो किस में कॉपी में रहने दो। बराबर है। अगर ये आपके पास रहेगा ना, मैं कहता हूँ बिजनेस कभी फेल ही नहीं हो सकता सर। बराबर है। मतलब फेल ही नहीं हो सकता। करेक्ट। क्योंकि आपके पास सब है, आपकी नजरों के सामने। हाँ। मतलब दिमाग में रखने से अच्छा है नजरों के सामने रखो। हाँ, और हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किधर मतलब किधर ज्यादा खर्चा हो, इधर खर्चा नहीं करने का था लेकिन हो गया, क्योंकि आपके सामने रहता ना सर। आपको जब इन्वेस्टमेंट की टाइम था, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, बिकॉज शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है सारी चीजों के लिए, तो आपको किसने हेल्प किया था? देखिए अभी ये तो सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहे। बराबर। कैसा है देखो, आप मतलब जो नए नए लड़के बोलते हैं ना, मैं पैसे नहीं इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ, बिजनेस के लिए पैसे ही रहते हैं। हाँ। सर मतलब रहते हैं, पैसे तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। लेकिन आप एक्सक्यूजेस मत देते रहो। हाँ। मतलब जो आप दे रहे हो एक्सक्यूजेस नहीं है। हाँ, मतलब कैसा है, थोड़े फार सेविंग्स यूज करो अपने। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप जो सेविंग्स है घर वालों से बात कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। वो जितने देते उतने लीजिए, उनको भी ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, मेरे को इतने पैसे चाहिए, उनसे लीजिए, जो आप खुद जितना अरेंज कर सकते उतना अरेंज कीजिए। हाँ। और मतलब फिर बैंक से, बैंक्स लोन देते, बैंक भी लोन देती है। हाँ, नहीं तो कुछ लड़के ऐसे उनको स्लिप भरना ही मालूम नहीं कैसे भरते बैंक में, और बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना है तो बैंक पूरी, और बैंक लोन नहीं देती मेरे को बोलते कैसे देगी। अगर आप थोड़े किसको पैसे दिए तो आप उसे विदाउट गारंटी नहीं देते। बराबर है। बैंक कैसे देगी आपको। बराबर है। फिर
तो मतलब जो छोटे क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड मालूम होना चाहिए अपने को, कैसे स्लिप भरते हो मालूम होना चाहिए, मतलब ये जो छोटे मोटे डिटेल्स है वो सब आपको सारी चीजें आपको पता, और इससे अपने हमको फायदा क्या होता है कि लोन आसानी से मिल जाता है। हाँ। और ऐसे सब मिला के आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को 40-50 लाख वाले बिजनेस स्टार्ट करना है। बराबर है। मेरी शुरुआत 7-8 लाख से हो गई है। हाँ। मतलब एक सोडा मशीन और थोड़ा फार सेटअप। हाँ। चालू कर दिया मैंने। आप अच्छे से हम चल रहे हैं सब। अच्छा चल रहा है। हाँ, बिजनेस अच्छा चल रहा है। आपको जब जब आपने स्टार्ट किया था तो जब प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस हुआ तो कितने कितने महीने लगे उसको आपको ऐसा समझने में कि हाँ अभी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा? देखिए, एक तो मैं खुद हुआ था इसलिए मेरे को सब पता चल रहा है कि कितना था। हाँ, हाँ, कितना हो रहा है, कितना हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना हम लॉस में चल रहे हैं। देखिए, मतलब मेरा कहना यही है कि आप सिर्फ एनालिसिस करते रहेंगे रोज का रोज बिजनेस के, तभी आपको पता चलेगा, आप पता चलेगा कि अपना बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। लॉस में, और कितने दिन में वो प्रॉफिट, मतलब जो पैसे हमने डाले वो पूरे निकल गए। देखिए, एक तो जब तक अपना वो इन्वेस्टमेंट नहीं निकलता तब तक प्रॉफिट पता नहीं चलता अपने बिजनेस का। मतलब ये रूल है कि आप मतलब, क्योंकि पूरा पैसा तो एक दो साल इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। बराबर। जितना खाली एक सलाह है कि आप जो पैसा है ना उधर का पैसा उधर ही लगाइए, बाहर मत लगाइए। जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं कि थोड़ा पैसा आ गया, अपने को लगने लगा कि अरे बाप रे के लिए लग रहा है या नहीं, नहीं, नहीं प्रॉफिट हो रहा है, चलो एक आईफोन ले लिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा कि आपको प्रॉफिट आ रहा है, चलो सबका पगार देके भी मेरे पास पैसे बच रहे, चलो मैं अभी प्रॉफिट में आ गया। बिल्कुल वैसा नहीं रहता, वो पैसा आगे चल के आपको बहुत काम में आने वाला है। वो बिजनेस के लिए यूज करो, बिजनेस उधर ही यूज कीजिए, चाहे तो सेविंग में रखिए लेकिन उसको खर्च बाहर मत कीजिए। बराबर है। हाँ, मगर वो छोटी सी छोटी अगर चीज होगी, आपको बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना है उधर, चाहे तो अपनो आपको अगर उधर पौधे भी उधर लगाने हैं वो शो के लिए, उधर खर्चा कीजिए लेकिन एक भी बाहर मत जाने दीजिए उस पैसे। बराबर है। सर, ये जो आपने MPSC सोडे का बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें आप स्ट्रेटजी के यूज़ कर सकते, जैसे कि आपका ये यूनिफॉर्म है उसके साथ साथ कोट्स वगैरह का भी आपने जो बताया था, तो उस चीज़ों के बारे में बताइए कि आपने स्ट्रेटजी क्या यूज़ की, देखिए बाकी लोगों से अलग आप कहाँ पे हो। तो उसमें मैंने स्ट्रेटजी ऐसे यूज़ की कि मैंने पहले तो मेरा यूनिफॉर्म ये कर लिया, पूरा स्टाफ का, मेरा भी और पूरा स्टाफ का भी। इससे हो क्या गया कि पूरी मार्केटिंग होने लगी मेरी, मतलब एक स्टैंडर्डनेस अपने बिजनेस को आ गया। हाँ। फिर मैं क्या करता था मार्केटिंग के लिए, सर जानबूझकर घूमने जाता था बाहर यूनिफॉर्म पहन के। यूनिफॉर्म पहन के क्योंकि लोगो है, पीछे भी लोगो है। हाँ। तो लोग, अरे MPSC सोडा वाला वो नया शॉप है, MPSC सोडा वाला, ऐसे बोलने लगे। मैं सुनता था उन सबका। फिर ऐसे बड़े बड़े जिधर भीड़ रहती बाजार में उधर जाने लगा, मतलब काम कुछ नहीं, यूनिफॉर्म पहन के बस वहाँ पे जाओ घूमो। हाँ, तो नाम मतलब लोगों के मुंह पे नाम आने लगा ना, अरे MPSC सोडा वाला, MPSC सोडा वाला किधर है, किधर है, ऐसा। फिर मैं जितने जितने उधर टूरिस्ट प्लेस है उधर चाय लेके गया। ओके। हाँ, मतलब क्योंकि मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर MPSC सोडा का सोडा भी आगे है तो हमारी चाय भी पीछे नहीं है। हाँ, तो इसका फायदा क्या हुआ कि हर फैमिली के मुंह पे नाम हो गया कि अरे MPSC सोडा। हाँ, हाँ, वो ट्रस्ट दिखाने लगे हम पे। बराबर है। मतलब एक जो इमेज है हमारी, हाँ, उनके नजरों में बहुत अच्छी हो गई सर। जैसे कि मतलब एक फुल मार्केटिंग हो गई। फिर कभी जब भी बारिश चल रही तो एक सोडा पे एक सोडा फ्री। मतलब मार्केटिंग कॉम्बो पैक्स पे 5% डिस्काउंट। बराबर है। ऐसा मतलब ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये आप बनाइए खुद। हाँ, आप खुद बनाइए, अपने टीम के साथ बनाइए, किसी के साथ बनाए, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं मतलब करेंगे लेकिन उसका प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा, स्लो होगा। तो मैंने और एक क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की सर, देखिए अभी मैं तो MPSC वाला बंदा, मतलब वो बुक पढ़ने का मेरे को बहुत आदत है। हाँ, हाँ, तो मैंने क्या किया, जो मैंने देखा मेरे कैफे पे या मेरे रेस्टोरेंट पे सब ऐसे यंगस्टर लोग आने लगे और थोड़े फार मतलब सीनियर सिटीजन। हाँ। तो मैंने क्या किया, वो बुक्स का मैंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया साइड पे। हाँ। तो उधर मैंने जो बुक्स कलेक्शन मेरा अच्छा था, हाँ, उसमें से एक गिने चुने बुक जो काम आ सकते हैं लोगों के, मैंने उधर रख दिए। तो मतलब जिसको अगर ऑर्डर आने को टाइम है, हाँ, तब तक वो बुक पढ़ लेगा। बराबर है। मतलब अपना मार्केटिंग भी हो जाएगा और लोगों को कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा कि अरे मतलब MPSC वाले अच्छे कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं। यस, मतलब वो कुछ तो हमारा भी सोच रहे। यस। हाँ, मतलब यूथ के बारे में भी सोच रहे। हाँ। और यूथ भी खुश हो गए कि अरे हमको कुछ तो नया देखने को मिला। बराबर। जो कि अभी आजकल कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करता। हाँ, फ्री वाईफाई देते है, कुछ भी देते है, लेकिन ऐसा बुक भी कोई नहीं रखता, कोई नहीं देता। हाँ, किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो मैंने और एक काम क्या किया, मैंने वो एक बोर्ड लगाया, व्हाइट बोर्ड, डेली कोर्स का। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो दिन भर के मतलब क्या बोलते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस के जो थॉट्स है, हाँ, 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 मैं वो बोर्ड पे लिख के रखता हूँ सर,
जैसे कि मेरा इसमें से मैं गया हूँ, एक शॉर्ट इसमें लिख के रखता हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए, जिससे आपका स्ट्रगल बच सकता है थोड़ा बार, और वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के रख देता हूँ, मतलब एंट्री पे रख देता हूँ, जो आए उसी जो आएगा वो पहले पढ़ेगा पढ़ेगा। और इससे एक और चीज़ है कि लोग आपके जो रेस्टोरेंट है उसमें हर रोज आएंगे, भी उनको वो पढ़ना भी है। हाँ, और सर और एक अच्छी बात, वो फोटो निकाल के भेजने लगे अपने रिलेटिव्स को, मतलब देखो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं, एक वाइब बना रहे, एक मतलब माहौल बना रहे अपने कैफे में। बराबर सर, अभी जो आपका ये बिजनेस चल रहा है तो इसमें आपको लोग फ्रेंचाइजी के लिए अप्रोच कर रहे हैं क्या अभी, और आपका प्लान क्या है उसके बारे में, अगर जो हमारे व्यूवर्स है अभी वो अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो अगर उनको आपके इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर फ्रेंचाइजी के लिए आपको अप्रोच करना है तो वो कब टाइम आएगा या फिर कैसा है? देखिए सर, अभी तो हम फ्रेंचाइजी के हिसाब से ही चल रहे पूरा, क्योंकि हमने ऐसा मॉडल बनाया कि जो आगे चल के जो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जो नए नए स्टार्टअप कर रहे लोग, उनके लिए हम उस लेवल का मॉडल बना रहे हैं कि वो अफोर्ड कर सके और वो भी अपना एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि आप देख रहे जॉब अपॉर्चुनिटीज आप बहुत कम रही है। तो मैंने वो दिमाग में रख के ऐसा मॉडल बनाया है जो कि साइड बिजनेस भी हो सकता है लोगों को। तो मैंने अभी जिधर हमारी होम ब्रांच है, मेन ब्रांच है, तो उधर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और बहुत लोग आ भी रहे मेरे को फ्रेंचाइजी पूछने। ओके, तो मैंने सबके नाम वो पता एड्रेस सब लिख लिया और उनको एक ब्राउचर भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि हमारी फ्रेंचाइजी आपको क्या देगी, हाँ, क्या आपको इन्वेस्ट करना है, क्या हम इन्वेस्ट करेंगे, इससे आपको फायदे क्या होंगे, मतलब जो हमारे से हो सके वो हम आपके लिए कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। मतलब जो भी ऐसा आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए हम जितना हो सके उतना कर रहे हैं सर। क्राइटेरिया सर उसके लिए सर, क्राइटेरिया मतलब उसको ऐसा अभी हम बना रहे हैं, ऐसा क्राइटेरिया रूल बुक अभी रूल बुक्स हमारी बन रही है, ऐसा हम ऐसा क्या बोलते हैं उनको, बहुत घाई नहीं कर रहे हम उसको, क्योंकि हमको जो एक फ्रेंचाइजी मॉडल बना रहे हैं वो ग्लोबली तक हमको फैलना है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम सिर्फ इंडिया के लिए या महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं रहेंगे सर, मतलब हमको ये मॉडल बहुत आगे चल के बहुत बड़ा बनाने का, वर्ल्ड वाइड आपको, वर्ल्ड वाइड सर, यस मेरा ड्रीम ये है, वर्ल्ड वाइड हमारा एमपीसी सोडा हो। और एमपीएससी का जो नाम है वो पूरे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एमपीएससी का नाम हो, मतलब जो एमपीएससी को एक नजर से देखते थे कि यार ये बच्चे सुसाइड करते, उसको एक अलग लेवल से देखे। करेक्ट, यस, मतलब यही मेरे गोल्स है, एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना ये मेरा आगे चल के गोल है और इसके लिए मैं जितना हो सके उतना काम कर रहा हूँ सर, काम कर रहा हूँ, यस। और मेरा 100% नहीं सर, मैं 1000% मेरा दे रहा हूँ। करेक्ट, अभी देखेंगे आगे चल के। सर अभी जो लोग हैं जिनको, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो आप उनको सजेशन क्या देना चाहोगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में एक तो पहले फ़र्क है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते तो ऐसा कीजिए कि जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, पहले तो ये मायने रखता है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना इज एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट, यस, और ऐसा कुछ तो लाइए जो कि मतलब मार्केट में बहुत चले, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नयापन लाइए कुछ तो। ओके, यस, मतलब वो जो पुराने सोचे वो अभी बदल दीजिए आप, जैसे कि देखिए अभी एक स्टार्टअप आइडिया मेरे पास है, हमारी होटल लाइन है, तो उसको शेफ हमें बहुत परेशान करते हैं सर, शेफ लोग, क्योंकि उनको अभी बहुत डिमांड आ गई, तो आप ऐसा स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते कि आप शेफ लोग प्रोवाइड करें, शेफ लोग प्रोवाइड करें। करेक्ट, अपनी एजेंसी निकालिए, शेफ लोग प्रोवाइड कीजिए। करेक्ट, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वो आपकी कंपनी देखते देखते करोड़ों का टर्नओवर पार कर देगी सर। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन ऐसा सोचते हैं लेकिन करता कोई नहीं, करता कोई नहीं है, वो स्टेप जो पहली स्टेप होती है वो कोई लेता नहीं। आइडिया सबके पास है, मेरे पास भी अभी 1000 आइडिया पढ़ के। सर रीडिंग के बारे में आप क्या बताओगे, आपने जो कोरोना पीरियड था उसमें कितनी 38 बुक्स पढ़ी है, उसके बारे में क्या बताओगे, आपकी लाइफ में रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना इंपैक्ट हुआ है आपके लाइफ पे? देखिए, मैं रीडिंग पहले इतना नहीं करता था, सच्ची बता दो, लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, मैंने सोचा कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, देखते क्या होता है पढ़ के, तो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब छोटे बुक से बड़े बुक तक, तो इतना इंटरेस्ट आ गया ना वो बुक के अंदर मेरे को, और इतना सीखने को मिला ना सर, मैं बोलता हूँ ना, अगर मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है या अगर मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें कुछ पार्ट्स और कुछ परसेंट वो बुक्स का भी है, बुक्स की वजह से थॉट्स भी चेंज होते हैं, मतलब जो आपका माइंडसेट है ना वो अलग लेवल पे जाता है। सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आपने पढ़ी? देखिए, मेरी फेवरेट बुक तो वैसे बहुत सारी है, लाइक 5-2-3 बुक का भी नाम बताओगे तो जो हमारे व्यूअर्स है वो भी बराबर से। देखिए, मैं आपको 3-4 बुक बताता हूँ, वो कुछ भी करके पढ़िए आप,
मतलब आपका मूड ना हो कुछ भी ना हो, एक बार पढ़ के देखिए चाय के साथ चाहिए तो, तो हमारे सोडा के साथ चाय सोडे के साथ हाँ, हाँ, तो पहले इसीलिए तो सर आप जल्दी से जल्दी पुणे मुंबई में भी अपनी फ्रेंचाइजी लेंगे जरूर सर, कुछ दिनों में हम इधर भी आएंगे। तो बुक में बताता हूँ आपको, पहले तो पढ़िए द एंटरप्रेन्योर शरद तांदळे, तांदळे जो हमारे मराठी में जो स्पीच देते वो पूरे मराठी उद्योजक है वो, अपने वंजारवाड़ी गांव के कुछ तो है वो, मतलब मराठवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं और उनको लंदन में जाके पुरस्कार भी मिला, पुरस्कार मिला है सर। अभी लोगों के बीच में क्रेज है रिच डैड पुअर डैड, ये अच्छी बुक है मैं नहीं होता, बट शरद तांदळे सर की ये बुक भी जैसे आपने बताया कि ऐसी बुक भी आप पढ़नी चाहिए। बराबर है, लेकिन देखिए कैसा है वो ज्यादातर ट्रेंड हॉलीवुड का चलता है ना, मतलब जो यूथ में जो ट्रेंड है वो अपना नहीं देखते साइड का, वो हॉलीवुड बेस्ट है बोलते ऐसा है। तो मेरा ये कहना है द एंटरप्रेन्योर बेस्ट बुक है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़े तो शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए सर, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, बराबर हाँ, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा ना क्या पढ़ना है क्या करना है तो सीधा न्यूज़पेपर से चालू कर दीजिए सर आप, बराबर। उसके बाद द एंटरप्रेन्योर पढ़िए, उसके बाद द विनिंग एटीट्यूड पढ़िए जेफ किलर का है, उसके बाद द एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़िए, मतलब जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना वो सर पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब ये लास्ट वाली बुक कौन सी बोले सर आपने, द एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यस। आप कुछ भी करिए बुक पढ़िए, क्योंकि जो एटीट्यूड हम जो नेगेटिव देखते हैं अरे सब नेगेटिव बोलते हैं, वो बुक पढ़ने के बाद आप सर नेगेटिव शब्द ही भूल जाएंगे, पूरा नेगेटिव शब्द ही भूल जाएंगे, मतलब इतना पॉजिटिव लिखा है ना उसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप में कितने पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं, लेकिन आप बाहर क्यों नहीं निकालते, बाहर क्यों नहीं निकालते, मतलब वो पूरा माइंड ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है सर, बराबर है, यस। फिर रिच डैड पुअर डैड आप बोले, वो मतलब मार्केट क्या है अपना, इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, वो सब मार्केट का उसमें है। तो ये तीन चार बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक आपको क्या बोलते हो पेजेस भी कम है अगर आपको ज्यादा कंटिन्यू एक बुक, हाँ तो ये बुक्स बेस्ट है, मैंने पढ़ी है, मेरे को तो आपके जो शब्द में फायदा वो तो मेरे को हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यस यस बहुत प्रॉफिट हुआ है। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ पे आए और इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत सारे जो एंटरप्रेनर्स है जिनको बिजनेस करना है फूड फील्ड में या फिर एक फ्रेंचाइजी जो मॉडल होता है उसमें, बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो आपका थैंक्स, क्योंकि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मेरे जो मतलब एक्सपीरियंस के जो है वो आपने मुझे बोलने का चांस दिया, पहले तो आपका शुक्रिया सर। और जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं और जो बनने के प्रोसेस में है, तो मेरे को यही कहना है उनको कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो आपकी जर्नी है आप ज़्यादा लोड मत लीजिए कि ये क्या चल रहा है क्या, मतलब डिप्रेशन आए तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लेकिन छोड़िए मत, छोड़िए, क्योंकि अब ग्रोइंग इंडिया के लिए एंटरप्रेन्योर्स ही अभी मेन है, मेन है, यस। तो यही कहना है कि आप ऐसा मत सोचे कि ये किधर तक चलेगा कैसे चलेगा, बस आप करते रहिए, क्योंकि हार्डवर्क कभी भी पे करता है अपने, पे करता है, हाँ। तो यही मेरा कहना है एंटरप्रेन्योर्स लोगों को, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।